हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग क्लास सिक्स चैप्टर थर्ड इंटीजर्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन। जहाँ पर फ़ायदा होगा, जहाँ प्रॉफिट होगा, जहाँ मोर होगा, जहाँ अबव होगा, वहाँ पर प्लस का साइन आएगा, और जहाँ पर नुकसान होगा या डिक्रीज होगा वहाँ पर माइनस का। हमारा ए पार्ट है ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 500, तो क्या हो जाएगा प्लस रुपीज़ 500। सी पार्ट है 15 kg अंडरवेट चाइल्ड। अब ये जो चाइल्ड बच्चे का वजन जो है वो 15 किलो के अंदर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस 15 kg। ई पार्ट 152 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, सी लेवल से नीचे है तो माइनस आएगा माइनस 152 किलोमीटर। जी पार्ट ए लॉस ऑफ रुपीज़ 320, नुकसान हो गया है 320 रुपये का, तो क्या आएगा माइनस 320। आई पार्ट 10 किलोमीटर पर आवर ओवर द स्पीड लिमिट, जो लिमिट है उससे भी 10 अधिक है, तो क्या आएगा प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है डैश इज नाइदर ए पॉजिटिव और नॉर ए नेगेटिव इंटीजर। ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, क्या होता है मिड में, लाइन में, लाइन के मिड में क्या होता है जीरो। ये ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, जीरो के राइट हैंड पे पहला इंटीजर क्या होता है वन। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, जीरो के लेफ्ट हैंड पे पहला इंटीजर माइनस वन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मार्क द फॉलोइंग ऑन ए नंबर लाइन। ए पार्ट है माइनस 7, इनको नंबर लाइन में दिखाना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेफ्ट हैंड पे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7। तो -7 यहाँ पर आ गया हमारा, इसको हम ए से शो कर देंगे। डी पार्ट है पॉजिटिव का 8, पॉजिटिव का 8 किस साइड में जाएगा राइट साइड में। जीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। हमें पॉजिटिव का एड दिखाना था, पॉजिटिव का एड यहाँ पर है, इसको ए से शो कर देंगे। क्वेश्चन 4, इन द फॉलोइंग पेयर्स विच इंटीजर इज ग्रेटर। ग्रेटर मीन्स बड़ा, हमें ये बताना है, दो इंटीजर दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा बड़ा है। अब ए पार्ट में -7, -9 दोनों ही जो है इंटीजर माइनस के हैं। अब -7 और -9 में जीरो के नज़दीक जो होगा वो क्या होगा -7, तो जो छोटा होता है वो क्या होता है बड़ा होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका -7 is greater than -9। सी पार्ट है -653, पॉजिटिव का है 456, तो ये तो क्लियर है, ये माइनस का, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा। 456 is greater than -653। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द बॉक्सेस बाय पुटिंग करेक्ट साइन, ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल। ए पार्ट है हमारे पास -32 + 32, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो पॉजिटिव बड़ा होता है, तो ये इधर की तरफ इसका निशान हो जाएगा। सी पार्ट -11 -11, दोनों ही आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे किसका निशान आएगा इक्वल का। ई पार्ट पॉजिटिव का 6 है और नेगेटिव का -2 है, तो पॉजिटिव बड़ा होता है, तो आपका 6 जो है 6 की तरफ निशान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्कल द स्मॉलर नंबर इन ईच पेयर। स्मॉलर का मतलब छोटा। ए पार्ट है -1 -8, दोनों ही माइनस के हैं, और दोनों जब माइनस के हों तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये -1 बड़ा है और छोटा क्या है -8, तो -8 पे हम क्या कर देंगे सर्कल डाल देंगे। सी पार्ट -13 और 0। अब
इसमें जीरो, ये जीरो है, ये माइनस थर्टीन है, तो जीरो जो है वो लाइन के सेंटर में होता है और माइनस थर्टीन लेफ्ट में होता है, तो स्मॉलर कौन सा हो जाएगा, माइनस थर्टीन। ई पार्ट माइनस 118 माइनस 811। अभी मैंने आपको बताया कि दोनों अगर नंबर माइनस के हों तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये हमारा बड़ा है और ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटा, तो माइनस 811 क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच में, इन दो इंटीजर के बीच में जो नंबर है हमें वो लिखने हैं, 0 एंड 6। 0 एंड 6 के बीच में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5। सी पार्ट है आपका -4 एंड 4। -4 और 4 के बीच में जो भी इंटीजर है वो लिखने हैं, तो -4 के बाद राइट में जाएंगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम, पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, निशान किसकी तरफ, राइट की तरफ। हमारे पास ए पार्ट में है -7, -19, 12, 4, -6। तीन इंटीजर नेगेटिव हैं और दो इंटीजर पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि इन तीन नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वो सबसे लेफ्ट में होगा लाइन के, तो सबसे बड़ा इंटीजर 19 है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। 19 के बाद आपका -7, फिर -6, अब बचे आपके पास दो पॉजिटिव के, एक 4 और एक 12। 4 और 4 के बाद आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, 12। तो आपका आंसर हो जाएगा -19, -7, -6, 4 और 12। डी पार्ट है, डी पार्ट में दे रखा हमारे को -12, 5, -19, -5, 10, -10। इसमें आपको चार इंटीजर नेगेटिव दिए हुए हैं और दो इंटीजर पॉजिटिव दिए हुए हैं, तो नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर लाइन में क्या होगा, लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट में, और वो सबसे छोटा होगा, तो ये 19, माइनस 19, उसके बाद -12, -19, फिर 12, उसके बाद -10, -10, -10 के बाद -5, फिर प्लस का 5, फिर 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा -19, -12, -10, -5, 5 और 10। माइनस वाले में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे छोटा होगा। तो नंबर 9 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, निशान आएगा लेफ्ट की तरफ। हमारे को दिया हुआ है ए पार्ट में -13, 12, 8, -7, -20। इसमें हमें हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, सबसे बड़ा पॉजिटिव में है 12, उसके बाद है 8, अब ये तीन बचे आपके नेगेटिव, तो नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि जो छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, तो क्या आ जाएगा, -7, फिर -13, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका -20। तो आपका आंसर हो जाएगा 12, 8, -7, -13, -20। डी पार्ट, डी पार्ट में 1, -5, 18, -12, 4 और -6। आपको 1, 2, 3 इंटीजर जो है, 3 इंटीजर जो है वो नेगेटिव दिए हुए हैं और 3 इंटीजर पॉजिटिव दिए हुए हैं। पॉजिटिव में सबसे बड़ा है 18 के बाद आपका है 4 के बाद है 1, अब बचा आपके पास -5, -12, -6, तो सबसे छोटा इन तीनों में क्या है, -5, फिर 6 और 12 में छोटा क्या है, -6, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका -12। तो आंसर हो जाएगा 18, 4, 1, -5, -6, -12। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव में आती है, तो -11 दिया हुआ है हमें, -11 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 = 11। ये साइड में जो निशान है ये एब्सोल्यूट के हैं, ये नेगेटिव था तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। सी पार्ट 0 दिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0
वैल्यू ऑफ जीरो की क्या हो जाएगी, जीरो ही रहेगी। डी पार्ट एब्सोल्यूट वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, -56, तो -56 कौन सा हो जाएगा, +56। एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -156 इज इक्वल टू 156। तो टुडे इज योर होमवर्क एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1-10 ऑल डू इन रफ कॉपी।